Hi guys, welcome back to another vlog. First of all, I wish you a very happy new year. जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका होगा. वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं न्यू ईयर लंदन जाऊँगा सेलिब्रेट करने एडिनबरा से, बट वहाँ पे केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मेरे सारे फ्रेंड्स ने मना कर दिया तो मेरे को सारी बुकिंग वगैरह कैंसिल करानी पड़ी. ऑल्दो आई गॉट द रिफंड बट स्टिल आई कुडंट गो टू लंदन, सो मे बी इन द कमिंग मंथ्स आई विल गो देयर. बट आज के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ डरहम सिटी में आया हूँ. Durham city is a very old city. It was founded in AD 995, so ये 2000 साल से भी पुरानी city है. यहाँ का Durham castle, cathedral and Durham university ये बहुत ज़्यादा popular. Durham university in fact world की top 100 universities में से एक है, and जो यहाँ का cathedral and castle है वो भी बहुत ज़्यादा पुराने हैं. so आज हम Durham city को explore करेंगे and I hope you guys will enjoy this vlog and let me know in the comments अगर आपको ऐसे vlogs देखने अच्छे लगते हैं. because also if you haven't subscribed to my channel yet, so please do that. I upload a lot of informative and fun videos for students who are in the UK and who are planning to come to the UK, so please subscribe to my channel, press the bell icon and let's get started. मेरे साथ तृप्ति और रुचिका भी आज साथ में, तो हम डरहम साथ में एक्सप्लोर करने आए हैं. सो तृप्ति स्टडिंग MBA एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा बिजनेस स्कूल एंड रुचिका इज़ डूइंग PhD इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट है ना आपका. रुचिका ने IIT बॉम्बे से अपनी बैचलर्स करी है एंड तृप्ति ने इंडिया से बैचलर्स करी है. कहाँ से? मैंने बैंगलोर से बैचलर्स करी एंड आफ्टर दैट आई वर्क देयर इन आदित्य बिरला. ठीक है. सो अगर आपको MBA के ऊपर वीडियो चाहिए तो हम तृप्ति के साथ एक वीडियो बनाएंगे. मेरे को कमेंट्स में बताना अगर आपको चाहिए हो तो. अभी हम डरहम सिटी मार्केट प्लेस में हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे. अभी हम इसको जैसे हम यहाँ पे आए तो हमें लग रहा है कि थोड़ी सी शांत सिटी है कम्पेयर टू एडिनबरा. यहाँ पे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी नहीं लग रही है. ये भी काफ़ी पुरानी इसका लग रही है. बहुत पुराना है, पुराना है बट शांति है, बहुत शांति है. बट ये एडिनबरा से हमें थोड़ी डिफरेंट लग रही है. और यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं. मैं उधर देख रहा हूँ तो वहाँ पे लॉयड्स बैंक है, यहाँ पे बार्कलेज है, उधर HSBC है. तो अगर आप डरहम सिटी में आ रहे हो पढ़ने या फिर आप यहाँ पे बैंक खुलवाना चाहते हो तो डरहम सिटी मार्केट प्लेस सर्च करना गूगल मैप्स पर. यहाँ पे सारे बैंक्स आपको मेजर बैंक्स दिख जाएंगे. एंड वहाँ पे पीछे मार्केट हॉल करके कोई जगह है, तो वहाँ पे अभी हम जाके देखेंगे कि वो क्या चीज़ है. और वैसे तो उस पर लिखा हुआ डरहम इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट स्टोर, देखते हैं अभी वहाँ पे हम देखेंगे. और उसके बाद हम जो मैंने स्टार्टिंग बताया कैथीड्रल कैसल यूनिवर्सिटी वहाँ जाएंगे. सो लेट्स गो. अभी हम जिस मार्केट में घूम रहे हैं हमारा प्लान का पार्ट नहीं था, बट अपेरेंटली हम इस जगह पे आए हैं गार्ड्स. गार्ड्स तो यहाँ पे
काफ़ी इंडिया जैसा माहौल है, मतलब यहाँ पे अंदर घुस के हमें लग नहीं रहा कि हम यूके में हैं. इफ़ यू हैव अ लुक, इट लुक्स प्रीटी मच लाइक किसी हिल स्टेशन की माल रोड होती है वैसे. तो गाइस हमें लग रहा है कि डरहम कासल है ये, बट यहाँ के जो दरवाजे हैं वो बंद हो रखे हैं, तो हम चेक करने जा रहे हैं. वैसे काफ़ी स्टूपिड चीज़ है जो हम करेंगे अभी, बट देखो इंसान को ट्राई करना चाहिए, बाकी भगवान के. नीचे छोटा सा पुश कर, पुश पुश आउट. तो कैसल का दरवाज़ा बंद था तो हम वहाँ नहीं जा पाए, बट सामने एक और बिल्डिंग है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे. सो गाइस हम कैथीड्रल में से अभी आ गए हैं. तृप्ति कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? बहुत अमेजिंग, इट इज सो ब्यूटीफुल. ऑल्दो हम एडिनबरा में कभी किसी कैथीड्रल नहीं गए. हां मैं भी यही बोल रहा था कि हम एडिनबरा में आज तक किसी कैथीड्रल में नहीं गए हैं, बट यहां पे मैं एडिनबरा में एक जगह गया हूं, मैं डीन्स विलेज के पास है वो जगह, वो भी काफ़ी सुंदर थी, बट ये वाली कैथीड्रल उससे भी ज़्यादा बड़ी थी और काफ़ी कुछ चीज़ें थी पढ़ने के लिए, देखने के लिए. यहाँ पे डरहम म्यूज़ियम भी है, बट इसके दरवाजे बंद लग रहे हैं. इधर से लोग जा रहे हैं, वो साइड से जा रहे हैं लोग, और बाय चांस आज धूप भी निकल गई, सो वी आर वेरी लकी कि थोड़ी धूप निकल गई है, बादल हट गए, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल टुडे. आई थिंक यही दरवाज़ा था म्यूज़ियम का जो बंद है, बट आई थिंक वी विल गो टू डरहम यूनिवर्सिटी, बिकॉज जो कैसल था वहाँ पे दरवाजे बंद हो रखे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैथीड्रल हमने देख लिया है, एंड अब हम यूनिवर्सिटी को देखने जाते हैं. तो यार यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी के रास्ते में हैं और हमें ब्रिज क्रॉस करना है, काफ़ी यूनिक सा ब्रिज है और मैं आपको दिखाता हूँ अब कैसा दिख रहा है. सो गाइज हम यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम के कैंपस के पास पहुंच चुके हैं. आपको जो मेरे पीछे बिल्डिंग दिख रही है वो मेन लाइब्रेरी है, बिकॉज मेन लाइब्रेरी इससे बड़ी तो कोई लाइब्रेरी हो नहीं सकती ना, तो आई एम अज्यूमिंग दिस इज़ द मेन लाइब्रेरी. और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के कैंपस में बोटैनिक गार्डन भी है, एंड तृप्ति अभी गूगल मैप्स पर देखेंगे क्या क्या कैंपस में, तो हम दिखाते हैं आपको यूनिवर्सिटी जो भी हम देखेंगे, मैं आपको वीडियो में रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ. Oh,
तो यार हम यूनिवर्सिटी का ये क्या बोलते हैं बोटैनिक गार्डन एक्सप्लोर कर रहे थे, और एक्सप्लोर करते करते हम जंगल पहुंच गए पास में ही अब यहाँ पे ऐसा माहौल है जैसे हम जंगल में आ गए हों, पता नहीं कैसे यूनिवर्सिटी कैंपस है कैंपस के अंदर जंगल, तो पता नहीं, आप देखो जंगल ही लग रहा है मुझे तो, और ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही लग रहे हैं हम, और यहाँ पे कुछ रास्तों के बताए हैं कि कहाँ पे जाना है, बट आई डोंट नो, हमें गूगल मैप्स पे देखना पड़ेगा कि कहाँ जाएगा रास्ता, बिकॉज नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा बेफालतू में। तो यहाँ पे रास्ता बंद था, बट तृप्ति ने रास्ता ढूंढ निकाला हमें गेट मिल गया है, तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं तो अभी देखते हैं यार, यहाँ पे बिल्कुल जंगल वाली फील आ रही है, लग नहीं रहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में है हम, सही सलामत घर पहुँच गए तो शुक्र मनाएंगे। नहीं, वी आर किडिंग, वी आर नॉट, नो वी आर। तो अभी हम मेन कैंपस की ओर जा रहे हैं, एंड वहाँ पे मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो दिखा रहा हूँ। तो लिटरली गाइज यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ था कि बोटैनिक गार्डन यूनिवर्सिटी का कैंपस ही था, हमें लगा था कि हम कैंपस से बाहर आ चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर एकदम जंगल टाइप्स फील आ गई। तो और यहाँ पे अभी धूप निकली और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, और अब हमें कहाँ पे कितना दूर जाना है तृप्ति? अब हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता। अरे गूगल मैप्स में मैंने बताया था ना, देखो नरम यूनिवर्सिटी इज 1 मिनट बाय वॉक। हाँ तो करो, स्टार्ट करो ना डायरेक्शन। okay. किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में जाना है? हम हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी को जा रहे हैं। अरे वो कोई और जगह है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है यार। 1 मिनट। तो अभी यहाँ पे कोई लोकल स्टूडेंट था, उससे हमारी बात हुई है सड़क पे से वापस आ रहे, वो भी रास्ता भटक गया। खैर उसने हमें बताया कि यहाँ पे जो कैंपस है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा की तरह पूरा यूनिवर्सिटी का कैंपस स्कैटर्ड है सिटी में, एंड अपेरेंटली जो यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम की जो मेन बिल्डिंग थी जो हमने पिक्चर्स में देखी थी वो कैथीड्रल और कैसल वाले एरिया के पास ही थी। सो हम वो ऑलरेडी शायद देख चुके हैं, हम उसको ढूंढ रहे थे तब से तो ये तो काफ़ी फनी हो गया हमारे साथ, बट जो भी हो बोटैनिक गार्डन काफ़ी अच्छा था। हाँ हमने कुछ अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करी वहाँ पे, एंड अभी हम सिटी सेंटर के पास जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा देर बैठेंगे एंड वहाँ पे खाना वाना खा के 6 बजे की हमारी ट्रेन है। कितने बजे की है? 6:30 की ट्रेन है, और अभी टाइम क्या हुआ है? 2:30 बजे। अपने पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है आज भी, कैफे में बैठ के हम हमेशा लेट ट्रेन बुक कराते हैं हमेशा। खैर जो भी हो अभी हम सिटी सेंटर जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा चिल करेंगे एंड फिर घर वापस। सो गाइज आज का व्लॉग बस इतना ही है। एक्चुअली हमने 6:30 बजे की ट्रेन टिकट बुक कराई थी और अभी 4:30 हुए हैं, तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, बट दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। हमने खाना वगैरह खा लिया, अब हम एडिनबरा जाएंगे एंड वहाँ पे न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, डू वेल, बाय।